हेलो स्टूडेंट, मोर जो तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल का एक टॉपिक बताऊंगा, कॉलिंग फंक्शन। कि कॉलिंग फंक्शन क्या होता है? देखो स्टूडेंट, होता क्या है कि जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन क्रिएट करते समय आप फंक्शन का यूज आपको मेन फंक्शन में करना होता है। क्यों? क्योंकि जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन में जो भी आपने कैलकुलेशन की है या कुछ भी आपने जो कोड लिखा है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको क्या करता है कि मेन फंक्शन में कॉल किया जाता है। तो कॉल करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते समय आप किसी वेरिएबल का मान क्या करते हो, मेन फंक्शन में आप उसको भेजते हो। ऐसा करने पर क्या होता है कि आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। अगर आप, ये तो साधारण भाषा था, अगर मान लीजिए अपने टेक्निकल भाषा में कहे तो क्या होता है कि मैंने बताया था आपको कि जब आप फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन बनाते समय, जैसे मान लो मैंने कोई फंक्शन बनाया है void swap int a, मान लीजिए int b, तो फंक्शन बनाते समय जो आप पैरामीटर देते हो वो होता है, कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका फॉर्मल, वो आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है। और जब फंक्शन, जब आप मेन फंक्शन के अंदर जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और उस समय क्या करते हो कि जब आप पैरामीटर देते हो तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया स्वैप ए बी, तो इसमें जो यहां पैरामीटर दिया हुआ है वो क्या होता है आपका एक्चुअल, एक्चुअल पैरामीटर होता है। तो होता क्या है कि जब आप कॉल बाय वैल्यू से फंक्शन को कॉल करते हो तो एक्चुअल पैरामीटर का मान कहां पर जाता है, फॉर्मल पैरामीटर में भेजा जाता है। और इसका मान, मतलब एक्चुअल पैरामीटर का मान क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है, कॉपी हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है, फंक्शन को कॉल किया जाता है किससे, कॉल बाय वैल्यू से। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब ये फॉर्मल पैरामीटर आपकी मेमोरी में कहीं और स्टोर होगा और एक्चुअल पैरामीटर का आपकी मेमोरी में कहीं और स्टोर होगा। मतलब इन दोनों की लोकेशन, मेमोरी लोकेशन क्या होती है आपकी, अलग अलग होती है। और क्या होता है, जब कॉल किया जाता है तो एक्चुअल पैरामीटर का मान फॉर्मल पैरामीटर में भेजा जाता है, जिससे क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर का मान फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाता है और इस तरह क्या होता है आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। एक बात और कि जब आप एक्चुअल पैरामीटर का मान फॉर्मल पैरामीटर में भेजते हैं तो क्या होता है कि आप ये तो काम कर सकते हैं, एक्चुअल पैरामीटर में भेजोगे तो उसका क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा किसका, फॉर्मल का। लेकिन फॉर्मल के द्वारा आप एक्चुअल पैरामीटर का मान नहीं बदल सकते हैं। मतलब आप चाहते हो कि मैं फॉर्मल पैरामीटर से एक्चुअल पैरामीटर का मान मैं बदलू, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर का मान कॉपी करके बदल सकते हैं। तो अपने क्या करते हैं, इसको समझते हैं प्रोग्राम की सहायता से कि अपने ये प्रोग्राम कैसे बनेगा कॉल बाय वैल्यू का। सबसे पहले अपने लिखते हैं एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच एस इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, ये आपने क्या लगा ली, दो हेडर फाइल आपने लगा ली है। अब क्या करते हैं कि अब अपने इसमें अपने एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो किस प्रकार का आपका void, मैंने मान लो फंक्शन नाम कर दिया मैंने स्वैप, मैं स्वैपिंग का एक प्रोग्राम बना रहा हूं, मैंने क्या दिया void स्वैप दिया। void तो क्या हो गया आपका, ये आपका होगा रिटर्न टाइप, मतलब आपकी वैल्यू जो ये फंक्शन है किसी भी प्रकार का कोई मान रिटर्न नहीं करेगा। मैंने आगे क्या लगा दिया, void लगा दिया। तो अब ये स्वैप क्या है, फंक्शन का नाम है। अब क्या समझ जाते हैं, अब इसमें अपन देते हैं फॉर्मल पैरामीटर कि मैं मतलब इस फंक्शन में कौन कौन से पैरामीटर यूज में लूंगा। इसे मान लीजिए मैंने दे दिया int x कॉमा int
वाई, ये मैंने दो दे दिए, एक्स और वाई मैंने क्या दिए, दो वेरिएबल है यानी पैरामीटर है किसके, स्वयं फंक्शन के, जो किस प्रकार के हैं, इंटीजर प्रकार के हैं, मतलब ये इंटीजर प्रकार का मान ये लेंगे और ये आपका फंक्शन यहां से शुरू हुआ। अब क्या करते हैं कि फंक्शन में जब स्वयं करने के लिए क्या होता है कि एक अपने को एक वेरिएबल की, क्या नाम, एक वेरिएबल की और आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने लिख दिया एक वेरिएबल को ले लिया, मैंने ले लिया इंट जेड एक दो तीन। अब आपके पास क्या हो गए, तीन वेरिएबल हो गए, लेकिन पैरामीटर में कितने दिए मैंने, दो ही दिए, एक्स और वाई जो इंटीजर प्रकार के हैं, और जो आपका जो जेड नाम का वेरिएबल वो आपका सिंपल वेरिएबल है, वो आपके पैरामीटर में नहीं आएगा। अब क्या करते हैं कि इस फंक्शन से क्या काम करवाना है, इस फंक्शन से क्या काम करवाना, अपने को यहां लिखेंगे कि इससे पहले मैंने आपको जो बताया था एक ऑपरेटर के बारे में बताया था मैंने, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या करता है कि ये राइट साइड में जो भी चीज हो, जो भी चीज का मतलब मेरा है किसी वैल्यू से या किसी वेरिएबल से या किसी फंक्शन से या कोई एक्सप्रेशन से, मतलब राइट साइड में कुछ भी हो सकता है, चाहे वेरिएबल हो सकता है, चाहे फंक्शन हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या होगा, हमेशा एक वेरिएबल होता है। और उसका काम क्या होता है असाइनमेंट का, ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में कॉपी करना, भेजना, ट्रांसफर करना। तो अपने इसी चीज का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, मान को स्वैप करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले आपका जो एक्स और वाई, तो क्या पहले क्या लिखेंगे, मुझे एक्स का मान क्या करना, पहले जेड में डालना है, तो मैं लिखूंगा एक्स बराबर जेड, सही क्या ये सही नहीं, क्योंकि जेड का मान तो खाली है, अपने को क्या लिखना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा जेड बराबर लिखेंगे जेड बराबर एक्स, ऐसा करने पर क्या होगा कि जो एक्स का मान वो क्या हो जाएगा आपका जेड में कॉपी हो जाएगा, फिर एक्स बराबर वाई, जो वाई का मान वो एक्स में आ जाएगा, अब वाई बराबर जेड, तो जेड का मान आपका चला गया आपका वाई में चला गया, मतलब मान तो आपका क्या हो गया, स्वैप हो गया। तो ये फंक्शन केवल इतने करेगा, केवल स्वैप कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब अपने वॉइड मैन फंक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैन फंक्शन, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, मैन फंक्शन को मैंने लिखा वॉइड मैन, मैंने मैन फंक्शन लिखा और जो आपका मैन फंक्शन यहां से शुरू हो गया। अब मैन फंक्शन में क्या करना है अपने को मैन फंक्शन के अंदर वैल्यू इनपुट करनी है, आप इनपुट कर सकते हो या तो आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर वेरिएबल लिया इंट ए लिया, साथ में मैंने बी ले लिया, और तो दो ही वेरिएबल, इसमें दो ही वेरिएबल की आवश्यकता, अपने को तीन की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने इंट ए और बी मैंने दो वेरिएबल ले लिया है, मैं चाहूं तो इसके लिए वैल्यू इनपुट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसमें डिफॉल्ट मान भी दे सकता हूं। तो मैं करता हूं, चलो वैल्यू क्या करता हूं, वैल्यू इनपुट करता हूं, मैं लिखता हूं सी आउट एंटर वैल्यू इन ए, सी मैंने दिया आपका ए में मान आ गया, फिर दिया मैंने सी आउट एंटर वैल्यू इन बी, आपका मैंने बी में मान मांगा, ये किया तो क्या रहा है, ये एंटर वैल्यू इन ए और एंटर वैल्यू बी, ये क्या है, ये वैल्यू यूजर से मैसेज ले रहा है और वैल्यू मांगने के लिए, और जो यूजर क्या देगा, जो वैल्यू देगा आपका क्या है, सीन क्या करेगा, ए में ट्रांसफर कर देगा और यहां क्या करेगा, सीन बी में ट्रांसफर कर देगा उस वैल्यू को। तो आपकी वैल्यू ए और बी में आ गई। अब क्या करना है कि अब अपने को क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है, क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन कॉल कैसे होगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका मान कहां भेजना है, ये आपका जैसे मैं लिखता हूं यहां पर स्वैप, स्वैप तो क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया। अब मैं ए कॉमा बी, मैंने दो की वैल्यू कहां भेजी है, यहां पर जो वेरिएबल है या जो यहां पर जो पैरामीटर, वो कौन सा पैरामीटर आपका, यहां पर जो है वो है आपका एच वन, और जो मैंने यहां पर बनाया था इंट एक्स और इंट वाई वो क्या था आपका, ये आपका था फॉर्मल। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एच वन पैरामीटर का मान यहां पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहता हूं जैसे ये तो क्या है आपका, ये जैसे मान लो प्रोग्राम है, ये स्वैप है,
या स्वैप फंक्शन में मैंने दो मान ले रखे हैं, ये एक ये और एक ये मान लीजिए, और ये आपका मेन फंक्शन है, इसमें मैंने दो वेरिएबल ले रखे हैं, ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। इसमें आपने मान ले लिया, मान लीजिए ए में कितना ले लिया आपने, मान लो 10 ले लिया, इसमें कितना ले लिया आपने 20 ले लिया। तो जब फंक्शन कॉल करेगा तो क्या करेगा, एक्सो पैरामीटर का मान फॉर्मूले में जाएगा, मतलब ए का मान कहां जाएगा आपका एक्स में और बी का मान कहां जाएगा आपका वाई में, मतलब 10 कहां चला गया एक्स में और 20 कहां चला गया आपका वाई में चला गया। तब क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन होगी और मान का क्या होगा, स्वैप होगा। अब क्या करेंगे, जब मान स्वैप हो गया तब क्या करेंगे, अपने को मान देखना है तो अपने क्या लिखेंगे, सी आउट ए एफ पी आर आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन ए, अपने ए का मान देख लिया, फिर लिखा सी आउट आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन बी, अपने बी का मान भी यहां पे देख लिया। अब गैस सी एच फंक्शन और आपका ये मेन फंक्शन खत्म। मतलब क्या हुआ कि आपने फंक्शन को कॉल किया, कॉलिंग फंक्शन आपका यहां हो रहा है और कॉल करते समय आप क्या कर रहे हो, ए का मान बी, ए का मान और बी का मान क्या कर रहे हो, एक्स और वाई के अंदर भेज रहे हो, मतलब एक्चुअल पैरामीटर का मान फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो रहा है आपका, भेजा जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है आपका फंक्शन कॉल हो रहा है और जो ए और बी का मान था वो आपका क्या होगा यहाँ पे कैलकुलेट होगा और आपका वो मान ए और बी के द्वारा आपको दिख जाएगा कि मान क्या स्वैप हुआ है। तो ये था आपका कॉल बाई वैल्यू से फंक्शन को कॉल किया गया। अब करते हैं कॉल बाई रेफरेंस से क्या होता है कि फंक्शन को किस प्रकार से कॉल करेंगे। इसी प्रोग्राम को अपने क्या करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस से करेंगे कि वो किस प्रकार से क्या होगा आपका कॉल होगा रेफरेंस। पहले बात करते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है। कॉल बाय रेफरेंस देखो क्या होता है स्टूडेंट, कि जब कॉल बाय वेरिएबल क्या होता है कि आप किसी वेरिएबल का मान भेजते हो फंक्शन के अंदर, तो इसमें क्या कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर आप किसी एक्चुअल पैरामीटर का क्या एड्रेस भेजोगे, कहां फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, इसका एड्रेस कहां जाएगा आपका फॉर्मल में जाएगा, तब क्या होगा उसका मान कॉपी हो जाएगा और आप किस प्रकार से फंक्शन को कॉल कर लोगे। ऐसा करने में क्या होता है, जब कॉल बाय रेफरेंस से आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या होता है, एक ही होता है। कॉल बाय वैल्यू में क्या था, अलग अलग था मेमोरी लोकेशन, लेकिन इसमें क्या होता है आपका एक ही होगा, इसका एक्चुअल पैरामीटर का और फॉर्मल पैरामीटर का दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या होगा आपका एक होगा, और आप कॉल बाय रेफरेंस के द्वारा एक्चुअल पैरामीटर के एड्रेस से आप फॉर्मल पैरामीटर के मान को कॉपी कर सकते हो। जिस प्रकार से कॉल बाय वैल्यू क्या था, इसमें क्या था आपका, ये जैसे आपने आपको एग्जाम्पल देता हूं स्वैप, जैसे वॉइड स्वैप इन एक्स और इन वाई, ये आपका क्या है सिंपल है, अभी यह अभी आपका क्या है सिंपल है, मतलब सिंपल पैरामीटर है। और जैसे मान लीजिए आपका ये फंक्शन है यहां लिख दिया और ये आपका मेन फंक्शन, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, एक बार समझाने के लिए मैंने लिख दिया ए और बी, मैंने ए और बी लिख दिया, इस प्रकार क्या हो रहा है आपका कॉल बाय वैल्यू हो रहा है क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल है, ये भी आपका सिंपल वेरिएबल है। मैं बताया था आपको इससे पहले जब एक टॉपिक बताया था मैंने आपको पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक ऐसे प्रकार का वेरिएबल है जो किसी की मेमोरी एड्रेस को पढ़ा जाता है, पढ़ने के काम आता है, लेकिन इसमें क्या होगा दोनों ही क्या होता है कि आपके दोनों ही प्रकार के क्या होना चाहिए डाटा टाइप एक समान होना चाहिए, इसका जैसे इंटीजर तो इसका भी क्या होगा आपका इंटीजर ही होना चाहिए, तभी क्या करेगा वो एड्रेस को पढ़ पाएगा। तो एड्रेस को पढ़ने के लिए अपने एक सिंबल का प्रयोग करते हैं एंड परसेंट का, इसका प्रयोग करते हैं एंड परसेंट का, तो अपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एंड परसेंट चिन्ह अपने को लगाना पड़ेगा। ऐसा करने पर क्या होगा कि ये इसके एड्रेस को आसानी से पढ़ लेगा, कौन पढ़ लेगा इसके एड्रेस को कल ये पढ़ लेगा, और इस प्रकार से क्या होगा आपका कॉल बाय रेफरेंस से आपकी वैल्यू कॉल हो जाएगी। कैसे, जो प्रोग्राम समझते हैं,
आपके हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम और कोइन डॉटेक्स। अब क्या करते हैं अपने, अब अपने एक फंक्शन बनाते हैं, वही जो फंक्शन जो मैंने पहले बनाया था अभी, void swap फंक्शन बनाया मैंने, लिखा यहां पर int एंड परसेंट x और int एंड परसेंट y। मैंने दो पैरामीटर लिए हैं x और y, जो किस प्रकार के हैं, इंटीजर प्रकार के हैं, लेकिन मैंने उसका क्या लगाया, मेमोरी एड्रेस लगा दिया। मतलब मैं ये क्या है कि आपका एड्रेस को पढ़ेगा, एक्स और वाई क्या करेगा, आपके एड्रेस को पढ़ेगा। फंक्शन स्टार्ट आपका वही, आपका क्या करना है आपको, जेड बराबर एक्स यानी एक्स का मान जेड में डालना है, और फिर वाई का मान क्या करना है, एक्स बराबर वाई, वाई का मान एक्स में डालना है, और फिर आपका वाई बराबर जेड, जेड का मान आपको वाई में डालना है। यह आपका मान तो क्या होगा, स्वैप हो गया ये फंक्शन आपका यहाँ पे बंद। अब क्या करना है आपको, मैन फंक्शन लिखना है। अब अपने क्या लिखेंगे, मैन फंक्शन लिखेंगे, मैंने लिखा void मैन, void मैन मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं कि इसमें अपने को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैं डिक्लेयर करता हूं वेरिएबल, मैं लिखता हूं int a और int b, मैंने दो वेरिएबल्स में ले लिए। यहां पर अपनी गलती करती, यहां पर क्यों करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है int z, जो तो नहीं तो क्या देगा आपको एरर देगा, नहीं तो रहता आपको कंपाइलिंग एरर देता। मैंने int z यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहां पर आपका a और b हो गया। अब क्या करना है अपने को, a और b में वैल्यू को इनपुट करनी है, तो मैं यहां करता हूं, मैं लिखता हूं इसे सी आउट एंटर वैल्यू इन ए, सी इन ए का मान, ये मैसेज आ गया यूजर के पास में, यूजर ने वैल्यू इनपुट की, सी इन ने क्या किया आपके उस मान को ए में डाल दिया। अब सी आउट एंटर वैल्यू इन बी और सी इन बी, ए का मान और बी का मान ले लिया। अब क्या करना है अपने को, फंक्शन को कॉल करना है, क्या करना है फंक्शन को कॉल, फंक्शन को कॉल करने क्या पड़ेगा आपको, सबसे पहले फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, स्वैप, मैं लिख दिया पे स्वैप, इसका मान ए कोमा बी, इसका मान बदल जाएगा, कहां जाएगा इसके एड्रेस में जाएगा, कहां जाएगा इसका मान, इसके एड्रेस में जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं समझाता हूं आपको, यहां पर क्या है स्वैप है, इसमें आपने जो दो वेरिएबल लेके आपने x और मान लीजिए y, यहां पर क्या है x है और ये आपका y है, इसकी मेमोरी लोकेशन मान लीजिए कितनी 100 है और इसकी कितनी अपनी 102 है। भाई ये इंटीजर कितनी वैल्यू होता है, दो बाइट जगह लेता है, तो ये 100, इसके बाद दो बाइट कितना हो गया आपका 102 हो गया। अभी आपका मैन, मैन फंक्शन का जो ये दो वेरिएबल है ये आपके ए और बी, इसमें आपने वैल्यू मान लीजिए आपने इसमें कितना दे दिया 10 और इसमें कितना दे दिया आपने 20। जब आप क्या करोगे कॉल बाय रेफरेंस से कॉल करोगे तो क्या होगा कि ये तो कॉल हो गया फंक्शन, इसके मान को कहां भेजा जा रहा है इसके अंदर, मतलब आपके एक्चुअल पैरामीटर को फॉर्मल पैरामीटर में भेजा जा रहा है, इसके साथ में एड्रेस के साथ, मतलब ये वैल्यू तो जाएगा और साथ में क्या होगा यहां पर क्या लगा रखा मैंने एड्रेस, मतलब क्या होगा ये एड्रेस पे इसके जाएगा, मतलब कॉल बाय रेफरेंस होगा, क्या होगा कॉल बाय रेफरेंस, तो मतलब अब ये क्या होगा इसके एड्रेस में जाएगा और ये इसके एड्रेस पे जाएगा। तो जब ये एड्रेस में जाएगा तो ये जो आपका लगाया मैंने मेमोरी एड्रेस वो क्या करेगा इसके एड्रेस को पढ़ेगा और इसके मान को अपने अंदर ले लेगा और आपका क्या होगा जो भी कैलकुलेशन होना है आपकी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। और अपने क्या देखेंगे फिर मान को देख लेंगे, आप लिखेंगे सी आउट आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन ए, अपन ए का मान देख लिया, सी आउट
एफ्टर आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन बी, ये बी का मान लिख लिया, और गेट सीएफ और आपका ये फंक्शन, सॉरी मैन फंक्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये था आपका कॉल बाय रेफरेंस से। मैंने आपको दोनों प्रकार का होता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। मैं आपको दोबारा एक बार करता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फंक्शन का मान फंक्शन के अंदर भेजा जाता है, मतलब मेन फंक्शन का मान फंक्शन के अंदर भेजा जाता है। अगर टेक्निकल भाषा में कहूं तो क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर का मान फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है, कॉपी हो जाता है। जैसे आपका ये आपका क्या है, ये आपका एक्चुअल है, ये आपका फॉर्मल है, इसका मान क्या होगा, इसमें कॉपी हो जाएगा। ए का मान जो आपने दिया है, तो मान बी का दिया हो, क्या हो जाएगा, एक्स और वाई में कॉपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, कॉल बाय वैल्यू के अंदर, इसमें एड्रेस नहीं जाता। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि इसमें वेरिएबल का एड्रेस भेजा जाता है। इसका भेजते हैं एड्रेस, ए और बी का क्या जाएगा, एड्रेस कहां जाएगा आपका, एक्स और वाई में आएगा। तो क्या होगा, इस प्रकार से आपका इसमें कॉल फंक्शन हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस से। एक बात और कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या होती है, अलग अलग, इसमें क्या होती है, अलग अलग होती है इसमें कॉल बाय वैल्यू में। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या होती है, आपकी एक होती है। तो ये था आज का टॉपिक बीए फाइनल ईयर का कॉलिंग फंक्शन। इस वीडियो में अगर किसी भी आगे कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।